हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकरोल ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे श्री श्री 108 राहुल जी महाराज के बारे में, जो उन्होंने बाहर जाके जो भारत की फजीहत की है, जो भारत का इमेज खराब करने का कोशिश की है किया है, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो भारत के लोगों के खिलाफ जो बात कही है, भारत एक यूनियन स्टेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक तरफ से राहुल गांधी अपने बुद्धि का परिचय देते हैं कि वो कितना भारत को समझते हैं और भारत को कितना जानते हैं। तो हम उससे उनसे शिकायत नहीं करते, शिकायत उनसे है जो सब कुछ जान के भी इस मूर्ख के पीछे अपना सारा कुछ त्याग के उसके पीछे पड़े हैं, उसको सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति बताने के तौर पे, जबकि पूरे भारत को पता है कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है वो व्यक्ति। लेकिन फिर भी एक एक चमचों की जमात है, उनके द्वारा बार बार उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि एक बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति है, लेकिन इतना उनके पीछे वो किया जाता है, प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी भी तरह से लोगों की नज़र में एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर दिखा पाए। कभी राजनीतिज्ञ हो गया, कभी कभी साइंटिस्ट हो जाता है, कभी इकोनॉमिक्स हो जाता है, ऐसे सारे चीज़ों के जानकार हैं। दोनों अलग है। भारत एक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है उसको। भारत को आप यूरोपियन कंट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज है। वही आपकी बुद्धि का परिचय देता है कि भारत का इतिहास कितने साल का पुराना है और आप क्या जानते हैं भारत के बारे में। भारत को आप ये सोचते हैं कि अलग अलग स्टेट है, उसको जोड़ के बना दिया गया, ऐसा नहीं है। भाषाएं अलग है भले, लेकिन भारत एक ही था। ये आपकी बुद्धि का परिचय है जो आप हमेशा देना चाहते हो कि यूरोप कंट्री में। हाँ, भारत की बेइज्जती कराने के लिए खुद की तो कराते ही है, लेकिन भारत की भी बेइज्जती कराने से पीछे नहीं हटता ये व्यक्ति। ये अपने आप को इतना विद्वान सोचता है, इतना विद्वान सोचता है कि, और जो मुंह में एक अच्छे इंसान की तरह बात नहीं करता, मतलब जो मुंह पे आ रहा है वो बक दे रहा है, मतलब एक पागल की तरह आदमी है, पागल की तरह है। जो भारत छोड़ो यात्रा में बोल रहा है कि भारत में कहीं भी ऐसे नफरत नहीं फैली है, और वही व्यक्ति अभी कैम्ब्रिज में जाके बोल रहा है कि भारत में नफरत फैल गई है। कहना क्या चाहता है भैया? और इसका वीडियो ही आगे पीछे काट कुट लगा दूंगा तो खुद ही अपने आप को रोस्ट करता है। ये व्यक्ति खुद ही अपने आप को एक्सपोज करता है, खुद ही अपने आपके बात को खड़े नहीं रहता, जो बोलता है उसको ऑपोजिट अगले इसमें बोल देगा। वो इस प्रकार का व्यक्ति है वो। इसको वैसे तो भारत की जनता सीरियसली नहीं लेती, और बाहर की जनता क्या ही लेगी उसको सीरियस जब भारत की जनता नहीं ले रही है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति को मतलब विद्वान बताने के लिए इतना प्रयास किया गया, 4,000 किलोमीटर चला गया, कितने करोड़ों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किया गया, इनके पीछे लगाए गए करोड़ों रुपए वेस्ट किए गए, लेकिन ये आदमी वही है ना। आप टट्टी के ऊपर आप चेरी लगा दोगे, कतरी डाल दोगे, तो वो क्या केक नहीं बन जाएगा? जैसे कौए को आप कितना भी नहला दो, गोरा नहीं हो पाएगा, या फिर कपास से उसको ढक दो, सफेद कर दो, तो हंस नहीं बन जाएगा वो। काव काव तो करेगा ही ना वो। जो जो मूर्ख है उनको मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं होती, वो तो मूर्ख है ही है, बोलने की जरूरत तो है नहीं। तो वही बताना चाहते हैं कि इसको ऐसा विद्वान बताना चाहते हैं कि भारत में इसके जैसे जानकार कोई नहीं है। चाइना के साथ MOU ये साइन करेंगे और चाइना के साथ विवाद की बात ये करेंगे। आप बस ये चाहते हैं कि भारत कुछ ऐसा स्टेप ले ले तो चाइना के साथ इसका कुछ ना कुछ युद्ध का जैसे परिस्थिति बन जाए, जहां आपको फायदा हो। अगर आप भारत की अच्छाई चाहते तो आप युद्ध की स्थिति वाली बात नहीं करते कभी, आप इस मुद्दे पर नहीं आते। आप अहिंसा वाले व्यक्ति थे ना, तो युद्ध की बात आप कर रहे हो। मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा था भारत में, अभी कैम्ब्रिज में जाके भारत की बदनामी की दुकान खोला है वहां। वो भारत की बदनामी की दुकान खोला है वहां। अब वैसे इस व्यक्ति से तो समझदारी की उम्मीद करना मतलब ऐसा है कि मरे हुए इंसान को जिंदा करने वाली बात है। और भारत को जितना नीचा दिखाना, मतलब वो एक व्यक्ति के पीछे इतना वो मानसिक हो गया कि वो भारत के भी पीछे हट नहीं, कभी किसी के ऊपर सवाल उठा देगा किसी के ऊपर। और ये डेमोक्रेसी इनके हिसाब से खतरे में क्यों? क्योंकि इनको लोग वोट नहीं दे रहे। भारत में लोकतंत्र का मतलब यही है ना, लोग चुन के लाते हैं नेताओं को, लेकिन जब भारत की जनता इनको नकार रही है तो ये नहीं, ये डेमोक्रेसी खतरे में है, इनका ऐसा ख्याल है। इनकी पार्टी तो लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन इनकी पार्टी जहां हारी वहां EVM हैक हो जाता है, लोकतंत्र मर जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति हैं ये। ऐसे व्यक्ति को जब लोगों के द्वारा इनको नकार दिया गया है, वो व्यक्ति डेमोक्रेसी को बोल रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भारत की मीडिया खतरे में है।
भारत की मीडिया खतरे में होती ना, तो आज इतने जो आपके लिए काम कर रहे मीडिया, वो मीडिया नहीं चल रही होती, और आप बाहर जाके अभी भाषण नहीं दे रहे होते, कैम्ब्रिज में स्पीच नहीं दे रहे होते। आज इस कारण दे पा रहे हो कि भारत में स्वतंत्रता है, लेकिन जनता आपको नकार दी तो डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, लोकतंत्र खतरे में आ गया। और जहां आपकी सरकार बन गई वहां एकदम निष्पक्ष वोटिंग हुई है, और जहां आप हार गए, जनता नकार दी, वहां लोकतंत्र मर गया और निष्पक्ष वो नहीं हुई है वोटिंग। मतलब कांग्रेस जहां सीट घट गया ना, तो जनता इनको नहीं चाहती, लोकतंत्र मर जाता है वहां इनके हिसाब से। जहां मतलब कांग्रेस बराबर लोकतंत्र, वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस अगर डूब रही है तो लोकतंत्र डूब रहा है उनके हिसाब से, बाकी और कोई सेंस नहीं बनता इनका। चाहते हैं कि किसी को रेंट में देने लग जाए, मक्खी वक्खी को जो छाता होता बनाए उनके सर में, कम से कम उस जगह पे रेंट वेंट में देना चालू कर दे, क्योंकि मस्तिष्क तो है नहीं, तो सोचेंगे कहाँ से। तो वहां कम से कम मधुमक्खी छाता बनाए, शहद तो मिलेगा कम से कम। लेकिन राहुल गांधी को ज्ञान झाड़ बराबर नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान चोदना पर ब्रह्मांड का, ऐसे उनकी बुद्धि है। वो तो ऐसे भी बोल देंगे कि लोकतंत्र तो हमारे घर से जन्म लेता है, बोल देंगे वो। भारत को नेहरू ही हाथ में पकड़ के बड़ा किए, नहीं तो वो छोटा सा था भारत, किसी की पॉकेट में भी आ जाता था, लेकिन नेहरू जी थे तो ऐसा खींच के बड़ा किए भारत को, तब भारत इतना बड़ा हुआ है, समझे। और जो व्यक्ति का इतिहास इतना बुरा हो, जो भारत के बारे में जानता ही नहीं हो, जो भारत की संस्कृति को पहचानता ही नहीं हो, समझता ही नहीं हो, वो क्या भारत के लिए कुछ अच्छी बात करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी भारत के लिए अभिशाप है कि ऐसे व्यक्ति को उस पद पे बैठाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं जो वो पद को डिजर्व नहीं करता, डिजर्व क्या 1% भी डिजर्व नहीं करता ऐसा अगर बात करें तो। लेकिन उसके पीछे पूरे लोग जुड़ के एक उसको ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहे कि कौआ कौआ है, उसको हंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं जाके मुंह खोलता है पूरा गुड़ बोबर कर देता है। मतलब जब मुंह खोलोगे मुंह से विष्ठा ही करते हो आप भारत के लिए, मतलब एक मुंह से, मतलब बोलते ना आपको डायरिया हो गया मुंह से। अरे जब किसी में नहीं है योग्यता तो उसको बता दीजिए ना कि आप में योग्यता नहीं है, लेकिन आप उसको बार बार प्रेस करोगे, नहीं आपसे अच्छा कोई है नहीं, आपसे अच्छा कोई है नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं है, तो क्या करेगा, मूर्ख ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा ना। मतलब तो सच्चाई बता ही नहीं रहे हो कि आप कैंसर हो बोल के देश के लिए, बोलना बकर बकर बकर, इनके फोन में पेगासस था बोलते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बोली कि इनको जांच करवाइए तो फोन नहीं देना, क्यों, जब नहीं है तो फिर कहां से देना, और इसको फोन करके कौन बता रहा है, ये भी एक हास्यास्पद बात है, हंसने योग्य बात है कि ये बोल रहे हैं, जो इनका फोन टैप कर रहा था वही इनको बता रहा फोन करके, ऐसे कुछ अनर्गल बात मत करिए जो आपको कभी हानि हो सके, क्यों, क्योंकि तो मैं आपका फोन टैप कर रहा हूं। मेरे को तो ये टेंशन आता है कि मैं इसकी वीडियो देखना पड़ता है, इसको इसके लिए बनाने के लिए इसका वीडियो को देखना पड़ता है, सहना पड़ता है टॉर्चर, ये एक बहुत बड़ा टेंशन है कि इसकी वीडियो को देखना बात का, और कॉमन सेंस का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है कांग्रेस का। तो बोलते ना कॉमन सेंस सबसे कॉमन है बोल के, लेकिन ये कांग्रेसियों को छू नहीं पाया आज तक वो। मतलब इनके पीछे पूरी मीडिया काम कर रही है, लेकिन मीडिया भी की चुकी है बेचारा। रवि अपने मन में सोचता होगा, हाँ मई मादर चोत हूँ मैं जो तेरे लिए काम कर रहा हूँ बोल के, जो इनके बारे में अच्छा छाप रहे, भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर भी मीडिया भी क्या हुआ है, वो भी सोचता होगा, सनम हम आपको दिल दिए थे, आप भी बेवफा निकल गए, मेरे दिल में क्या बीतेगा, उसके दिल में क्या बीतेगा बेचारे के। और मतलब वाकई में कैरेक्टर हो, एक मीम मटेरियल हो आप। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप एक कंटेंट दाता हो भारत के, बहुत सारे लोगों को कंटेंट दाता हो, कि मतलब आपके ऊपर बात कर सकते हैं, मतलब अनगिनत बात कर सकते हैं आपके लिए बैठ के, मतलब बिना कुछ सोचे भी बात कर सकते हैं आपके लिए, इतना मतलब आप वो हो, घंटों घंटों मतलब 24 घंटे आपके बारे में बात कर सकते हैं अलग अलग, ऐसे आप अपने चरितार्थ की अपने जीवन को आपने। क्या बोलोगे इस व्यक्ति के बारे में, कुछ बोलना मतलब, तो बस एक ही चीज मेरे को दिल से फील होता है, आई एम सॉरी बाबू, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे इतना पढ़ाई लिखाई किया, कुछ अच्छा काम कर लेता भैया, और इनके ऐसे मूर्खों के साथ मत घूमो भैया, जो आपको ये सब ज्ञान देते हैं ना उनके साथ मत घूमो, आपकी संगति खराब है, जो आपको सच बता नहीं रहे हैं, जो आपको हर समय वो
प्रेस करते, बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों करके वैसे ही लोग को साथ में रखे हो लगता है हर चीज में। हाँ सही बोल रहा भाई, सही बोल रहा भाई। अरे कुछ अच्छे इंसान को रखो साथ में, ऐसे संगत में रहो ताकि कुछ अच्छा सीखो, लेकिन नहीं। अब तुम्हारे अंदर का सुपरमैसी भरी है वहां, जब प्रेसिडेंट वहां बता रहे हो कि मैं विपक्ष का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं, लेकिन क्या है, झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, अनर्गल बोलो, बिना तथ्य के बात बोलो, और कुछ भी बोल दो, मैं दिल की बात करता हूँ। भारत दिल से चल रहा है? भारत दिल से चल रहा है क्या? मैं दिल की बात कर रहा हूँ, वो गांड की बात कर रहा है, वो फेफड़ा से सुन रहा है, ये सब बकचोदी करने जाते हो बाहर। जब भारत की छवि अच्छी नहीं कर सकते तो बिगाड़ने का भी आपको हक नहीं। वैसे भी आप भारत के सिटीजन तो हो नहीं, जबरन चौधरी बन रहे हो कि मेरे को भारत को बचाना, भारत के लोकतंत्र को बताना है, भारत का ये। अब आप खुद को बचा लो भाई, अपना भविष्य बचा लो पहले। आप जो आपको इतने साल से लॉन्च करना पड़ रहा है, लॉन्च रीलॉन्च 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 करना पड़ रहा है आपको, खत्म ही नहीं हो रहा। इतना लॉन्च कैसे हो जा रहा है इंसान यार? इतने में तो कोई इंसान रिटायरमेंट हो जाता है वहां तक। लेकिन तुम हो एक बुद्धू जवाहर, अभी भी लॉन्च करना ही पड़ रहा है तुमको। चाइना के साथ तुम गलवान के समय में जाओ बात करने, चाइना से तुम दोस्ती रखो, लेकिन मोदी चाइना से डरता है। अरे तुम तो नहीं डरते हो ना? मोदी चाइना से डरता है। अरे तुम तो नहीं डरते हो ना? तुम तो नहीं डरते हो, फिर क्यों चले जाते हो चुपके चुपके मिलने? ऐसा क्या बात कर रहे थे जो भारत की बात वहां जाके सुननी रहती आपको? से भारत का, भारत की छवि को बदनाम करने के लिए भारत को ऐसा बताएंगे कि भारत कुछ है ही नहीं। मतलब एक ही मोदी चला रहा है भारत को, उसको जनता जबरदस्ती चुन के ला दे रही है, वो ही पूरा वोट बैठ के डालता है अपना सब जगह से। ऐसा दुर्व्यक्ति व्यक्ति है, जब जनता ही आपको नकार चुकी है डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे जनता ही नकार रही है ना। नहीं अब ईवीएम हैक हो गया है, ऐसे तो मूर्ख हो। मतलब आपके हिसाब से बात नहीं किए तो लोग गलत बोल रहे हैं, अगर आपको चुन के ला दिए तो हाँ ये सही है। इतना भी क्या मूर्ख होना यार, इंसान को सच्चाई से वास्तव रखना चाहिए। ठीक है इमेजिनरी दुनिया में इंसान जीता, लेकिन इतना क्या इमेजिनरी दुनिया यार आपकी? आपको मतलब एक नशेड़ी आदमी, मतलब उसके सोच का इमेज का कोई मतलब अंत नहीं होता, वैसे ही आपका बात का इमेज का कोई अंत ही नहीं। आप फुल नशे में भंड हो, क्या बोल रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, मोहब्बत की दुकान, झाट का कीड़ा, कुछ भी बोल रहे हो। मतलब जो अपना भविष्य नहीं बचा पा रहा वो आदमी भारत के लोग, कौन बोला आपको? अगर वो जाके वहां इंग्लिश में बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। ऐसे भी तो लोग हमारे देश में कांग्रेस को जो समर्थन है, इंग्लिश में बोला तो सच बोला होगा। क्यों? अंग्रेज राज किए थे अपने ऊपर, तो इंग्लिश हमारे ऊपर एकदम सुपरमैसी की तरह बैठा हुआ है, यही सोचा। इंग्लिश में बोल दिया तो नहीं, प्रमाणित हो गया, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश में बोल दिया तो सच ही होगा। ये आपका सोच है, ये आपका सोचने की शक्ति है, आपकी बुद्धि है। ये तो आपका सोच है। अगर भारत की जनता आपको मक्खी के चाय में पड़ी मक्खी जैसे उठा के फेंक दी कि नहीं चाहिए अपन को, तो नहीं, चाय खराब था यार, ये बोल दोगे आप? अंगूर खट्टे वाला हिसाब है आपके लिए, आप नहीं पा पा रहे हो भारत की जनता के दिल में, नहीं पहुंच पा रहे हो, भारत की जनता आपको नहीं चुन रही, तो जनता ही मादरचोद है बोल दोगे आप? वो बोल नहीं सकते तो डेमोक्रेसी खतरे में बोल रहे हो। अब जो नहीं जानता डेमोक्रेसी झंड, उसको क्या पता होगा डेमोक्रेसी क्या है? होता होगा कुछ चीज सोच रहा है, कोई पकवान वकवान होता होगा डेमोक्रेसी, चीटी वीटी लग गई सोच रहा होगा उसमें कहीं। भारत में पूरी नफरत फैल गई है, लेकिन भारत में प्यार मोहब्बत। अरे भोसड़ी के क्या बोलना चाहता है यार तू? तेरी बुद्धि बढ़ रही है कि कम होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा तेरा? कभी दाढ़ी बना लेगा, कभी सूट बूट बोलेगा, कभी कभी फटा हुआ कुर्ता दिखाएगा, कभी सूट पहन के जा, कहां से आके तेरे पास इतना पैसा, टंगा सूट पहन के जा रहा है तू? नोटबंदी के समय 2,000 निकाला था ना तू, उस समय फटा कुर्ता तेरे पास, कहां से कपड़ा? पहले तो इसका जवाब दे। चौधरी बना फिर रहा है कि मेरे को भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत।